हेलो बच्चों, इस लेक्चर नंबर 5 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर नंबर 5 में हम किरचॉफ का नियम पढ़ेंगे। किरचॉफ के नियम से पहले हम पढ़ते हैं तल की उत्सर्जन क्षमता। तल की उत्सर्जन क्षमता, ईएमसी पावर ऑफ सरफेस। तल की उत्सर्जन क्षमता माना किसी वस्तु, जैसे मान लीजिए यही मार्कर का ताप इसके चारों ओर माध्यम के ताप से ऊंचा है, तो तापांतर के कारण वस्तु की तल से माध्यम में विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। इस उत्सर्जन की दर तल की प्रकृति, तल के क्षेत्रफल व विकिरण की तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करती है। यदि किसी तल के ए क्षेत्रफल से 30 सेकंड में उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की मात्रा क्यू हो, तो उस तल की उत्सर्जन क्षमता ई बराबर क्यू बटे एटी होती है। यदि किसी तल के क्षेत्रफल ए से 30 सेकंड में उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की मात्रा क्यों हो, तो उस तल की उत्सर्जन क्षमता
ई बराबर क्यू बटे ए टी। इसको हम समीकरण एक मान लें। इस सूत्र से हम तल की उत्सर्जन क्षमता को परिभाषित कर सकते हैं। आइए, यदि ए बराबर एक मीटर स्क्वायर, टी बराबर एक सेकंड, तो तल की उत्सर्जन क्षमता ई बराबर क्यू, तल की उत्सर्जन क्षमता ई बराबर क्यू। इसको हम दो कह लें। यहां से हम तल की उत्सर्जन क्षमता को परिभाषित कर लें। यदि किसी तल के एकांक या प्रति एकांक क्षेत्रफल से एक सेकंड में उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की मात्रा को उस तल की उत्सर्जन क्षमता कहते हैं। फिर से समझिए, किसी तल के प्रति एकांक क्षेत्रफल से एक सेकंड में उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की मात्रा को उस तल की उत्सर्जन क्षमता कहते हैं। किसी तल के प्रति एकांक क्षेत्रफल से एक सेकंड में उत्सर्जित किसी तल के प्रति एकांक क्षेत्रफल से एक सेकंड में उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की मात्रा को उस तल की उत्सर्जन क्षमता कहते हैं। इसका एसआई मात्रक जूल प्रति सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर, इसका एसआई मात्रक जूल प्रति सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर अथवा वाट बटे मीटर स्क्वायर या
वाट बटे मीटर स्क्वायर। उत्सर्जित विकिरण में विभिन्न तरंग दैर्ध्य होते हैं तथा इनका स्पेक्ट्रम भी प्राप्त किया जा सकता है। अतः आइए अब हम स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता पढ़ते हैं। तो तल की स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता, तल की स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता, स्पेक्ट्रम एमिसिव पावर ऑफ ए सरफेस, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर ऑफ अ सरफेस तो इसे भी हम इसी भांति परिभाषित कर सकते हैं। किसी तल के प्रति एकांक क्षेत्रफल द्वारा एक सेकंड में तरंग दैर्ध्य लैम्डा पर प्रति एकांक तरंग दैर्ध्य परास में उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की मात्रा को तरंग दैर्ध्य लैम्डा पर उस तल की स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता कहते हैं। आइए तरंग दैर्ध्य लैम्डा पर प्रति एकांक तरंग दैर्ध्य परास में किसी तल के प्रति एकांक क्षेत्रफल से एक सेकंड में उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की मात्रा को तरंग दैर्ध्य लैम्डा पर उस तल की स्पेक्ट्रमी
उत्सर्जन क्षमता कहते हैं। स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता को हम ई लैम्डा से निरूपित करेंगे। यदि तरंग दैर्ध्य लैम्डा पर या पहले इसका मात्रक लिख लिया जाए, इसका मात्रक इसका एस आई मात्रक जूल प्रति सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर प्रति एंगस्ट्रॉम, जूल प्रति सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर प्रति एंगस्ट्रॉम होता है या है, यहां भी है लिख लीजिए। यदि तरंग दैर्ध्य लैम्डा पर तल की स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा हो तो तल से उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की मात्रा बराबर ई लैम्डा डेल्टा लैम्डा इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दें हो तो तल से तरंग दैर्ध्य परास लैम्डा से लैम्डा बटे डेल्टा लैम्डा, थोड़ा इसको बढ़ा दें। तल से तरंग दैर्ध्य परास परास लैम्डा से लैम्डा प्लस
डेल्टा लैम्डा में उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा बराबर बराबर ई लैम्डा डेल्टा लैम्डा यहां के बजाय यहां लिख लें परास लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा में उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा हो तो तरंग दैर्ध्य परास लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा में तल से उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा तल से उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की मात्रा उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की मात्रा बराबर ई लैम्डा डेल्टा लैम्डा ये समीकरण तीन मान लीजिए इसको जिस प्रकार तल की उत्सर्जन क्षमता इसका दूसरा नाम है उत्सर्जकता या उत्सर्जन क्षमता उत्सर्जन पावर तो उत्सर्जकता इसका दूसरा नाम है या उत्सर्जन गुणांक भी इसको कहते हैं। इसे हम तल की उत्सर्जन क्षमता या उत्सर्जकता या उत्सर्जन गुणांक ये तीन में कुछ भी आप कह सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं तल की अवशोषण क्षमता। आइए पढ़ा जाए तल की अवशोषण क्षमता। तल की अवशोषण क्षमता इसका दूसरा नाम है अवशोषकता एक और नाम है अवशोषण गुणांक। तल की अवशोषण क्षमता एब्जॉर्सिव पावर ऑफ सरफेस
जब किसी वस्तु पर विकिरण ऊर्जा आपतित होती है तो इसका कुछ भाग तल से परावर्तित हो जाता है, कुछ भाग अवशोषित हो जाता है तथा शेष वस्तु में से संचरित होकर दूसरी ओर निकल जाता है। अवशोषित भाग तल की प्रकृति तथा विकिरण की तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। तो तल से अवशोषित विकिरण ऊर्जा तथा तल पर आपतित कुल विकिरण ऊर्जा के अनुपात को दिए गए ताप पर तल की अवशोषण क्षमता कहते हैं। किसी समय में दिए हुए ताप पर किसी समय में दिए हुए ताप पर वस्तु द्वारा अवशोषित अवशोषित विकिरण ऊर्जा की मात्रा व आपतित कुल विकिरण ऊर्जा की मात्रा को तल की अवशोषण क्षमता कहते हैं। इसे हम ए अक्षर से निरूपित करते हैं। इसका एसआई मात्रक चूंकि यह एक अनुपात है अतः इसका मात्रक नहीं होता। यह एक अनुपात है अनुपात का मतलब समान राशियों का अनुपात इसका मात्रक नहीं होता है।
आपतित विकिरण में भिन्न भिन्न तरंग दैर्ध्य होते हैं, अतः भिन्न भिन्न तरंग दैर्ध्यों के लिए अवशोषण क्षमता भिन्न भिन्न होती है। तो आइए अब पढ़ते हैं स्पेक्ट्रमी अवशोषण क्षमता। तो चलिए पढ़ा जाए स्पेक्ट्रमी अवशोषण क्षमता। स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्शन पावर, स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्शन पावर, जैसे हम उत्सर्जन क्षमता स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता पढ़े थे, ठीक उसी प्रकार से इसको भी परिभाषित करेंगे। तरंग दैर्ध्य लैम्डा पर तरंग दैर्ध्य परास लैम्डा से लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा में तल द्वारा अवशोषित विकिरण ऊर्जा व कुल आपतित विकिरण ऊर्जा के अनुपात को तरंग दैर्ध्य लैम्डा पर तल की स्पेक्ट्रमी अवशोषण क्षमता कहते हैं। तरंग दैर्ध्य लैम्डा में तरंग दैर्ध्य परास लैम्डा से लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा पर तल द्वारा अवशोषित विकिरण ऊर्जा व वस्तु पर आपतित कुल विकिरण ऊर्जा के अनुपात को तरंग दैर्ध्य लैम्डा पर तल की स्पेक्ट्रमी अवशोषण क्षमता कहते हैं। इसे हम ए लैम्डा से निरूपित करते हैं। यदि तरंग दैर्ध्य लैम्डा पर
तल की स्पेक्ट्रमी अवशोषण क्षमता ए लैम्डा हो तो वस्तु द्वारा अवशोषित कुल विकिरण ऊर्जा हो तो वस्तु द्वारा अब यहां जगह नहीं है यहां लिख लिया जाए अवशोषित कुल विकिरण ऊर्जा बराबर ए लैम्डा डेल्टा क्यू इसको हम समीकरण चार कह रहे हैं जहां डेल्टा क्यू आपतित कुल विकिरण ऊर्जा है जहां डेल्टा क्यू वस्तु पर आपतित इसको यहां से हटा ही दें तब कंफ्यूज नहीं होगा अवशोषित विकिरण ऊर्जा जहां डेल्टा क्यू वस्तु पर आपतित कुल विकिरण ऊर्जा है तो बस आज के लिए इतना ही अब आगे का कल धन्यवाद।